मैं वापस आती थी तो मैं आके बताती थी मेरे को मेडल पड़ा है, तो खुश नहीं होते थे, मतलब बहुत गंदा रिएक्शन मिलता था। सब ऑलमोस्ट 99% जो होते थे वो एनाबॉलिक एब्यूजर्स होते थे, जिनको आप फेस से देख के बता सकते थे फुली लोडेड। मतलब आपकी डाइट और सप्लीमेंट्स आप क्या यूज़ करती हैं? दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स है स्पोर्ट में, इंडिया में हर स्पोर्ट में ही है वैसे तो, इसमें कुछ ज़्यादा है। Nothing can stop me, I'm all the way up. What's up guys, this is Daman Singh. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद हम कुछ नया ट्राई करेंगे, जैसे कि व्लॉग्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टॉकिंग विद सम इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, चाहे वो एथलीट्स हों या जिम के फील्ड में कोई दूसरे लोग भी हों। सो हमारे पास फर्स्ट हमारे गेस्ट हैं इस सीरीज में, इंटरव्यू सीरीज में, इनका नाम है Hi, my name is Tavleen Kaur. Or she's a very strong power lifter. So, Tavleen, tell us something about yourself. So, मैं वैसे तो एक power lifter हूँ, out of passion. And मैंने शुरू करा था अपना power lifting year 2015 में, जहाँ पे आप भी थे. हम दोनों ने almost first competition साथ, मतलब मेरा first competition था, मेरे को आपका नहीं पता. That was my first competition. तो guys, very interesting thing, जो पहला competition हमने खेला था, actually मेरा जो पहला अच्छे level का competition था 2015 में, strong man का competition था, दिल्ली में ही हुआ था. हम इस time भी दिल्ली में ही हैं, तो उस competition में strong man में तवलीन भी participate कर रही थी, वो female category में थी. तो उसमें आपकी कौन सी position थी? दो मेरा स्पोर्ट्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, बट मैं अपने जो मेरे जो कोच हैं आज, उनके पास मैं गई थी ऑलमोस्ट 2015 मई में, मई के टाइम पे मैंने उनको ज्वाइन करा था, जिनका नाम है कोच बली. मई में ही ज्वाइन किया, और जो स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन था जुलाई 2015 में था, वो जुलाई में हुआ था, यानी कि दो महीने भी आप कंपटीशन रेडी हो गए. यस, मैं मतलब एम्प्टी बारबेल से मैं स्क्वाट नहीं कर सकती थी व्हेन आई ज्वाइन इन हिम, एंड मैंने जब डेडलिफ्ट भी करी थी तब भी मेरे को नहीं हो पा रहा था, एंड कंपटीशन में जब मैंने डेडलिफ्ट करी तो 120 kg की मैंने तब फर्स्ट टाइम डेडलिफ्ट करी थी. मैं आई उनके पास थी वेट लॉस के लिए बेसिकली, बट जब उन्होंने मेरे को देखा और बोला कि सी आपका जो स्ट्रक्चर है आपको ठीक है, विल वर्क ऑन दैट, बट साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक कि आप पावर लिफ्टिंग करो, यू हैव एथलेटिक बॉडी. तो मैंने फिर तब शुरू करा, देन साथ साथ में मैंने देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कॉन्टेंट राइटर एंड अ मार्केटर. आज भी आई एम वर्किंग एज प्रोफेशनली, आई एम वर्किंग एज कॉन्टेंट राइटर एंड मार्केटर विद वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल कंपनीज इन इंडिया. बट आउट ऑफ पैशन मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू करी थी, एंड साथ में मैंने फिर उसको फर्दर कि हाँ मैं इस चीज़ में और सीखूँ, मैंने न्यूट्रिशन का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स करा, एंड नाउ आई एम ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट इन न्यूट्रिशन एंड डाइट. सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है कि गाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, कि आपके आप बोल रहे हैं आप पावर लिफ्टिंग करते हो राइट, तो आपके नंबर्स क्या हैं? नंबर्स में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ. मैं जनरली अपने सब्सक्राइबर्स को भी वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद अपनी बेंच प्रेस अगर पोस्ट करता हूँ या स्क्वाट पोस्ट करता हूँ या डेडलिफ्ट पोस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप अपना भी नंबर लिखें. तो मैं आपसे भी पूछूंगा, आपके जो कॉम्पिटिशन लिफ्ट्स हैं मेन, बेंच प्रेस, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट, वो क्या हैं? अपने आपके बेस्ट क्या रहे हैं वो बताएँ. कॉम्पिटिशन वाइज तो मेरे जो हाईएस्ट नंबर्स हैं, जब मैंने कॉम्पीट करा था लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने कॉम्पीट नहीं करा है, तो लास्ट मेरे नंबर्स थे बेंच में 90 kg, एंड स्क्वाट्स में 167.5 kg, एंड डेडलिफ्ट में भी 167.5 kg. स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट सिमिलर, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट बिल्कुल सिमिलर थे, एंड बट मैंने अभी जब लास्ट अपना 1 rep max चेक करा था जिम में, बट मैंने डेडलिफ्ट का नहीं करा क्योंकि आई एम हैविंग इंजरी, तो उसका नहीं करा था. तो स्क्वाट्स मेरा था 180 kg, इट हैज इंक्रीज, दो मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, ऐसा नहीं था कि आई वॉज ऑन पीकिंग और समथिंग, एंड बेंच मेरा 92.5 था. सो गाइस, ये जो कंपटीशन का नंबर है, जैसे कि इन्होंने बोला बेंच प्रेस 90 kg और स्क्वाट 167 kg, वो ऐसा नहीं है कि आप जिम में जैसा करते हो. मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि बेंच प्रेस पीछे से हेल्प ले ली किसी से, राइट, वो नहीं होता है. कंपटीशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे चेस्ट पे टच करवा के और इवन होल्ड करना होता है. कभी कभी रेफरी बोलता है कि 2 सेकंड होल्ड करवा लेता है, कभी 1 सेकंड, कभी 3 सेकंड, देन ही आस्क यू टू प्रेस द वेट, तब आप प्रेस करते हो बेंच प्रेस में. ऐसी होती है पावर लिफ्टिंग. और स्क्वाट में भी जैसे कि कुछ लोग
बहुत सारा वेट डाल लेते हैं, 200 किलो, 180, 190, लेकिन वो कभी क्वार्टर स्क्वाट करते हैं, कभी हाफ स्क्वाट करते हैं, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में आपको पैरेलल तक एटलीस्ट जाना होता है या बिलो पैरेलल तक एटलीस्ट, हाँ, तो तब आपका क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन इन्होंने 167 वैसे किया है। तो पर्सनली तवलीन, अगर मैं बात करूँ, आपने कौन से वेट पे एक ये लिफ्ट्स की थी? तब मेरा बॉडी वेट आई गेस 87-88 केजी था। शी डिड इट ऑन 87-88 केजी। तो गाइस पर्सनली मैं बात करूँ कि इन टर्म्स ऑफ स्क्वाट तवलीन इज स्ट्रॉन्गर देन मी, बिकॉज जो मैक्सिमम स्क्वाट मैंने किया है आज तक वो है 160 केजी। ठीक है, वो मैंने 75-77 बॉडी वेट किया था, लेकिन मैंने इतना 167 वेट मैंने भी नहीं किया है। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग दिस, शायद आप में भी बहुत सारे लड़कों ने नहीं किया। तो मेरा इनको चैनल पे लाने का मतलब यही था कि जैसे कि आपको पता है मैं स्ट्रेंथ प्रमोट करता हूँ मोर देन द फिजिक। ठीक है, कि आप लिफ्टिंग पे जाओ, टेक्निक पे जाओ, आप स्ट्रॉन्गर बनो, कि रेदर देन सिर्फ एब्स दिखा लिए या बाइसेप्स दिखा दिए, राइट? तो गाइस सिमिलरली वेट लूज के लिए आई थी, लेकिन एक्चुअली एक बेटर लिफ्टर बन गई, कि टेक्निक पे काम करने लगी, एक पावर लिफ्टर बन गई। तो सिमिलरली मेरा केस भी ऐसा ही था, मैं सिर्फ एक जस्ट टू बिल्ड सम मसल, जस्ट टू लुक गुड इन क्लोथ्स, बट मेरा फोकस पे थोड़ा फिजिक बिल्डिंग से हट गया, बिकॉज आई गॉट सिक्योर कि फिजिक ठीक है। देन आई स्टार्टेड इन टू मोर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग थिंग, के लिफ्ट पे काम करूँ, इंप्रूवमेंट इन टेक्निक पे काम करूँ, जो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ यहाँ पे, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जो कंपटीशन खेले हैं, कोई नेशनल खेला है या कितने स्टेट खेले हैं? मैंने स्टेट्स भी खेले हैं, ऑलमोस्ट 10-12, मेरे को याद नहीं है नंबर्स, बट हाँ 10-12 टू डिफरेंट फेडरेशन से मैंने 10-12 खेले हैं। कोई बात, 10-12 मैंने स्टेट चैंपियनशिप्स खेली हैं, वो दिल्ली में हुई थी। एंड देन मैंने 2 नेशनल्स खेले हैं, दोनों में ही मेरा गोल्ड मेडल भी था। एंड जिसमें से एक जो था वो तो नॉर्मल था, लेकिन एक जो था मैंने इक्विप्ड कैटेगरी में खेला था विद ऑलमोस्ट 5-6 फीमेल्स इन माई कैटेगरी। सब ने इक्विप्ड क्या होता है आपको पता है? तो गाइस इक्विप्ड क्या होता है, जिसमें बेंच प्रेस के लिए एक सूट होता है आपको पहनना पड़ता है, वो सूट पहन के आप स्क्वाट करते हैं, वही पहन के आप बेंच प्रेस भी करते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी लिफ्ट्स इंप्रूव हो जाती हैं काफी, 30-40 kg का जंप मिलता है, मतलब कुछ परसेंटेज, 15%, 20% कुछ ऐसा इंप्रूव हो जाता है। लेकिन इन्होंने उस इक्विप्ड कैटेगरी में प्ले करके भी बिना किसी इक्विपमेंट के वो जीत गई। ठीक है, तो दैट वॉज अबाउट इक्विप्ड कैटेगरी। और जो स्टेट कंपटीशन हुए थे उनमें भी आपने सब में गोल्ड लिया या सिल्वर लिया? सब में गोल्ड, एक दो में मेरा सिल्वर था। okay. क्योंकि वो वेट का डिफरेंस जैसे आया था कि मेरे साथ किसी ने सेम वेट कैटेगरी में खेला और सेम वेट उन्होंने भी उठाया, लेकिन उनका बॉडी वेट में से कम था। तो ट्वाइस इट हैज हैपेंड कि मेरे को सिल्वर मेडल मिला हुआ है। सो तवलीन, ऑल दिस कॉम्पिटिशन, हार्ड कोर लिफ्टिंग, इंडिया में ऐसे लोग सोचते हैं कि मतलब तू लड़की है, जिम जाके क्या करेगी, और अगर चलो जिम चली भी जाए लड़की अगर, तो उसको कार्डियो पे लगा देते हैं, या कहते हैं कि तू स्टेयर पे चढ़ती रहे बस, है ना, वेट लूज के लिए, या कार्डियो मशीन पे चलती रहे। और अगर घर वाले आपका सोशल मीडिया देखते होंगे, बिकॉज आई हैव सीन के यू आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो ना लिफ्टिंग की, तो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, राइट, फेसबुक पे, कि मतलब ये हार्डकोर लिफ्टिंग कर रही है, क्या बॉडी बिल्डर बनना है क्या तुझे, क्या बोलते हैं वो, क्या रिएक्शन होता है? इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था, तो जब मैंने कम्पीट करना भी शुरू करा, ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं अपने फादर को बता के नहीं जाती थी। ही वॉज वेरी अगेंस्ट दिस, बहुत बोलते थे कि नहीं, इस चीज़ को नहीं परस्यू करना है। एंड बहुत मतलब ऐसा होता था कि हाँ, मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन्स के बाद जैसे पूरा दिन गाया, वो अब सुबह से लेकर मैं रात तो लगती है कॉम्पिटिशन में, मैं वापस आती थी तो मैं आके बताती थी मेरे को मेडल पड़ा है, तो खुश नहीं होते थे, मतलब बहुत गंदा रिएक्शन मिलता था कि सुबह से गाया, वो झूठ बोल के जा रहे हो, कहीं और का बोल के जा रहे हो। तो प्लस फ्रेंड्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कर क्या रही है, क्यों एकदम से पहलवानी, मतलब दे स्टार्टेड कॉलिंग मी पहलवान एज वेल, कर क्या रही है तू। देन ठीक है, बट आई हैड ट्रस्ट इन माई सेल्फ, मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई सब मतलब मजाक भी बहुत उड़ाया, और आपको पता है दोस्त मजाक उड़ाते तो बहुत उड़ाते हैं, तो लेकिन आई हैड ट्रस्ट इन माई सेल्फ, तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। देन ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स मैं एक दिन अपने डैड के साथ बैठी, तो मैंने उनको बोला कि देखो आजकल की जनरेशन ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, ड्रग्स करती है, मेरे को एक चीज़ की एडिक्शन है कि मैं सिर्फ लिफ्टिंग करना
करना चाहती हूँ, आप उसमें भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते. दैट वॉज द टाइम ही सेड ओके फाइन आई एम विद यू. एंड आज के टाइम पे वो ही है कि वो हमारे सारे रिलेटिव्स को जा जाके बोलते हैं मेरी बेटी लिफ्टिंग करती है, मेरी बेटी की वीडियोस देखो, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी. तो ऐसे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब फादर हु वाज अगेंस्ट इट. बट अगेंस्ट होने का आपको क्या लगता है कि क्यों पेरेंट्स अगेंस्ट होते हैं कि लड़कियों को जिम भेजने के अगेंस्ट होते हैं या वेट लिफ्टिंग के अगेंस्ट? नहीं, मेरे फादर खुद भी एथलीट रहे, मैं यूज टू प्ले हॉकी, ऐसा कुछ नहीं है. बट उन्होंने ऐसा टाइम भी देखा है जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी. उनको नहीं पता हाउ टाइम हैज चेंज, लेकिन दो अभी भी होता है कहीं जगह पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है. बट अगेन उनको नहीं पता था कि हाँ रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिस्ट्रीट होगी शायद मेरी बेटी. तो उस डर के हिसाब से सिर्फ उन्होंने मेरे को मना कर था. एंड उनको शायद ये भी लगा कि मैं शायद सीरियस नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर. तवलीन, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आपको टोटल टाइम कितना हो गया लिफ्टिंग करते? 3 साल हो गए राइट? 4, 3.5 साल. 3.5 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरे को. चैलेंजेस ये थे कि मैं ऐसा नहीं था कि मेरा ये प्रोफेशन था या फुल टाइम था, तो मैंने साथ साथ में जॉब करी है. तो मेरा वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा था, मेरी रिकवरी लेवल 0 था. मतलब ऐसे फील होता था कि मैं सुबह जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, आते ही आई यूज़ टू रन फॉर माई ट्रेनिंग. तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था. और ऐसा होता ना कि आपकी बॉडी थक जाती है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था. और सेकेंडली, मैंने आज तक जब कम्पीट करा है लोगों के साथ, तो मेरे से जितने भी लोग होते थे 99% जो होते थे वो कह सकते हो एनाबॉलिक एब्यूजर्स थे. तो उनको ये एक अपर हैंड होता था, जिसकी वजह से आज तक मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन का कभी एक ही बार शायद सिर्फ वो मिला है अवार्ड. स्ट्रॉन्ग वुमेन इज जब आप जितनी भी कैटेगरीज हैं आपका बॉडी वेट एंड आपका अगर लिफ्टेड वेट देखा जाए तो जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशियो होता है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का अवार्ड मिलता है. तो ये अवार्ड किस द्वारा दिया जाता है? मतलब ये अवार्ड कौन सी फेडरेशन देती है? मतलब कोई भी फेडरेशन हो, कोई भी पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, वो आप एक आप अपनी कैटेगरी विनर होते हो और एक आप होते हो ओवरऑल विनर, जिसको बोलते हैं दैट इज अ स्ट्रांग वुमन. तो वो मुझे आज तक शायद एक ही बार मिला है, वो भी मे बी इसलिए कि उस टाइम पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम था. लेकिन अदरवाइज मेरे साथ हमेशा यही इशू होता था कि लाइट वेट कैटेगरीज में मेरे साथ ऑलमोस्ट 99% जो होते थे वो एनाबॉलिक एब्यूजर्स होते थे, जिनको आप फेस से देख के भी बता सकते थे फुली लोडेड. एंड वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उनके साथ कम्पीट करूं. बट आई हैव गिवन माय 100% एंड आई हैव प्रूवन ठीक है कोई बात नहीं. तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि तवलीन जो है नेचुरल है, मतलब शी डजंट टेक एनी काइंड ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. आप बात कर रही हैं कि जो आप किस कैटेगरी में खेलते थे, मतलब फीमेल्स होती थी वो भी स्टेरॉइड यूज करती. यस डेफिनेटली गाइज, इवन इनफैक्ट अगर पर्सनली बात करूँ तो यस, जो कॉम्पिटिशन खेलते हैं डेफिनेटली वो लोग लेते हैं मोस्टली, चाहे फीमेल्स भी लेती हैं, लेकिन ये नहीं है कि सब लेती हैं. ऐसे तवलीन हमारे साथ है, शी डजेंट टेक एनी काइंड ऑफ एनाबॉलिक्स. डेफिनेटली फीमेल, चाहे वो बिकिनी कम्पिटिटर है या बॉडी बिल्डर है या इवन पावर लिफ्टिंग में है या इवन वेट लिफ्टिंग में है, सब लोग चाहे मेल या फीमेल है मोस्टली लेते हैं ड्रग्स. तो दैट्स देयर चॉइस, आई एम नॉट अगेंस्ट देम. ठीक है, हमने मैं सिर्फ यही बोलता हूँ हमेशा कि जो फेक नेटी होते हैं उनके अगेंस्ट में, कि मतलब जो लेते हैं फिर भी खुद को नेचुरल बोलते हैं राइट. सो तवलीन, आप इतनी स्ट्रांग है, 167 का स्क्वाट करती हैं, मतलब आपकी डाइट और सप्लीमेंट्स आप क्या यूज़ करती हैं? तो डाइट में मेरी यूजुअली तो थोड़े से ही मतलब ब्राउन राइस होते हैं, अदरवाइज नथिंग एल्स, बस यही हाई प्रोटीन डाइट विद थोड़े से कार्ब्स. मतलब हाई प्रोटीन में आप क्या क्या लेते हो? मतलब मैं वे प्रोटीन एंड एग्स एंड चिकन, दैट्स इट. यही तीन, मतलब चिकन ब्रेस्ट, लीन प्रोटीन जितना हो सकता है उतना. एनी अदर सप्लीमेंट तवलीन? आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद बीटा एलेनिन बिकॉज मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही थी और थोड़ा सा मेरे को आई वॉज फीलिंग लो वाइल वर्किंग आउट, तो इट हैज वर्कड फॉर मी. सो तवलीन, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, आपने कभी इंस्टाग्राम पे हेट या बुली फेस किए हैं या फेसबुक पे हेट कभी? इंस्टाग्राम पे तो बहुत प्यार मिलता है, फेसबुक पे भी प्यार मिलता है लेकिन ऑपोजिट वे में. सो मैं हमेशा से ही स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि अगर आप स्ट्रेंथ स्पोर्ट में हो, स्ट्रेंथ स्पोर्ट का मतलब यही है कि आप अपना 100% दे सको, यू हैव टू शो आपकी क्या स्ट्रेंथ है. तो मैं हमेशा से थोड़ी सी अपोज करती थी लोगों को कि अरे लोग स्टेरॉइड्स लेके कर रहे हैं, कभी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ तो टेस्ट करें. ठीक है, आपकी चॉइस है, आप ले रहे हो, बट एक अपने आप को 100% तो स्ट्रेच करो अपनी स्ट्रेंथ को. तो उस पर मेरे को बड़ा लोगों ने बोला कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम भी ले लो. मतलब दे स्टार्टेड टू चेंज माई माइंड कि भाई तुम भी ले लो, तुम अपोज क्यों कर रहे हो. देन आई स्टॉप डूइंग दैट. फिर मेरे को इस चीज़ पर भी बड़ा बोला गया, ये तो मोटी है, ये तो तगड़ी है, इसलिए मैं भी इतना वेट मार लेती है. इस बात पर भी आता हूँ, जैसे
से गाइज कि शी इज़ प्राइमरली ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ, शी डजेंट केयर अबाउट लुक्स और बींग इंस्टाग्राम फिटनेस मॉडल या इंस्टाग्राम पे आप कैसी पिक्चर्स आ रही हैं आपकी, राइट? सो उस चीज़ वो चीज़ें आपको कैसे इम्पैक्ट करती हैं कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दैट यू विल सी ऑन इंस्टाग्राम कि दे विल बी मोस्टली दे विल फोकस मोर ऑन देयर फिजिक देन स्ट्रेंथ. मैं ऐसी लड़कियाँ काफ़ी देखता हूँ जो मतलब सिर्फ दे कांट लिफ्ट वेट्स एक्चुअली, राइट? बट या मोस्टली गलत तरीके से या बहुत ही मतलब ना के बराबर बैठे, यानी कि स्क्वाट और कोई अच्छी लिफ्ट जो होती है डेड लिफ्ट वो तो कभी देखा नहीं अच्छे तरीके से, बहुत कम लड़कियां देखी होंगी मैंने. तो आपको क्या इम्पैक्ट नहीं करता कि आपको नहीं होता कि मैं भी ऐसी मतलब बहुत स्किनी वे में आ जाऊँ या ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, एक तो मैं पंजाबी हूँ, सरदार नहीं हूँ मैं, तो मेरे को लगता नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई भी पसंद करता है. इवन आप कहीं पे भी देखोगे स्किनी कोई भी पसंद नहीं करता है. आज के टाइम पे बीइंग स्ट्रॉन्ग इज़ समथिंग जो सबको होना चाहिए. मैं पहली बार ये बोलती हूँ, ठीक है अभी मैं थोड़ी सी ओवरवेट हूँ, मुझे भी पता है ये बात, लेकिन मेरी मुझे पता है कि पिछले 3 साल की इम्प्रूवमेंट क्या है एंड मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, मैं पहले से लीन हुई हूँ. बट मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं वो इंस्टाग्राम मॉडल जितनी लीन हूँ. सुतवलीन, आप पावर लिफ्टिंग करती हैं, आप स्टेट्स खेली, नेशनल खेली, कोई ऐसी चीज़ है पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में जो आपको लगता है ख़राब है या चेंज होनी चाहिए एथलीट्स के अच्छे भविष्य के लिए, या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ख़राब क्या चीज़ें हैं? एक तो आज के टाइम पे दिल्ली छोड़ो, इंडिया में ही इतनी फेडरेशन हैं कि कोई भी इंसान जो अगर कोई नया आ रहा है पावर लिफ्टिंग खेलने के लिए उसको समझ ही नहीं आएगी कौन सी फेडरेशन को चूज़ करना है. बिल्कुल सही बात, भाई मैं बताना चाहूँगा आपको इसमें ये कहना चाह रही हैं कि मतलब हर बंदा चार पाँच बंदे मिलके दो बंदे मिलके अपनी ही फेडरेशन खोल देता है. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मिस्टर इंडिया एक जेन्युइन होता है वर्सेस हर गली मोहल्ले में कोई मिस्टर इंडिया बना देता है, राइट? या मिस्टर पंजाब आपको पता है पीटीसी का नाम होता है एक, या कोई और मिस्टर पंजाब हर शहर में करवाने लग जाते हैं, राइट? सो सिमिलर, राइट? सिमिलरली, वेरी वेरी सिमिलर. एंड दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स है स्पोर्ट में, इंडिया में हर स्पोर्ट में ही है वैसे तो, इसमें कुछ ज़्यादा है. और क्योंकि कहते हैं ना कि आउटकम ज़्यादा है, एज इन आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं स्पोर्ट में, इनकमिंग नहीं है. तो जैसे इस चीज़ का भी एक नुकसान होता है. बाकी मेरे को ऐसे लगता है कि फेडरेशन सपोर्ट नहीं करती है एथलीट्स को. कैसे कैसे सपोर्ट नहीं करती है? मतलब फाइनेंशियली भी, मतलब अगर आप बाहर देखोगे पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जैसे IPF वर्ल्ड्स होता है, अगर जैसे USA हो या ब्राज़ील हो, कोई भी कंट्री का अगर बंदा मेडल जीत के आता है उसको कैश प्राइस मिलता ही मिलता है. तो इधर नहीं मिलता है? नहीं मिलता इधर, तो पहले वर्ल्ड तक पहुँचने ही नहीं देते ये लोग, ट्रायल करवाते रहते हैं, वर्ल्ड तक भेजते ही नहीं है किसी को. अब तो कोई फेडरेशन भी नहीं है कि हम लोग जाके बाहर कम्पीट कर सकें. और मेन चीज़ ये भी है कि फेडरेशन वाले आपस में ये करने लग जाते हैं कि अपने बंदों को जिताने के लिए कि हाँ उनके बंदे जीते, चाहे उनमें पोटेंशियल हो या ना हो. काफ़ी ज़्यादा चीटिंग होती है, एज इन वो अपने बंदे को एक अगर देख रहा है उनको कि हाँ सामने वाला जो से हेवी कैटेगरी में है वो जीत जाएगा, उसको लोअर कैटेगरी में खिला लेंगे, वेट की डिस्क्रिपेंसी कर देंगे. या फिर तो गाइस किसी का मान लो अगर वेट 86 kg है, मतलब ओवर 83 kg है, तो उसको 83 में डाल दिया, राइट? ऐसा कर देते हैं कि ज़्यादा बड़े वेट कैटेगरी वाले बंदे को निचली वेट कैटेगरी वाले से कम्पीट करवा दिया, राइट? ऐसा बोल रहे हैं? राइट ऐसे ही करते हैं. वेट्स का हो जाता है, प्लस एज का बहुत ज़्यादा कर देते हैं. जैसे कितने लोग होते हैं जो आप देख के बोल सकते हो 25-26 ईयर ओल्ड है, लेकिन उनका वो किस में, वो जूनियर कैटेगरी में कम्पीट कर रहे होते हैं. तो जूनियर में कितना एज होता है? जूनियर का होता है 23 ईयर्स के बाद आप सीनियर खेलते हो, 23 ईयर की एज तक आप जूनियर्स खेल सकते हो. आपकी कितनी एज है? मैं आई टर्न 26 दिस ईयर अगस्त में. तो ये ऐसे बहुत बार आपको मिलेगा कि देखने में समझ आ जाता है कि हाँ बंदा सीनियर में, लेकिन क्योंकि उसको जिताना है, क्योंकि उससे गुरुजी चाहते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेकर आए, मैं अपना प्रमोशन कर सकूं, तो उसको हमेशा जूनियर में खिला देंगे या फिर लोअर कैटेगरी या हेवियर कैटेगरी, जहाँ पे भी उनको बेनिफिट हो रहा होगा. तो ऐसे चीटिंग करी जाती है. तो अगर पावर लिफ्टर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको शायद पता भी होगा, आपके साथ एक्सपीरियंस भी होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. मैं अभी वो कॉम्पिटिशन का नाम नहीं लूँगा कहाँ पर हुआ था, कि जो उस कंपटीशन को करवाने वाले बंदे थे उनके जिम के खुद के बंदे थे, उनको पता क्या कर रहे थे कि बेंच प्रेस करते हुए होल्ड करने को एकदम से पोते प्रेस भी होता है, हाँ. भी होता है, और जब हम कर रहे थे उनको मतलब बोल ही नहीं रहा था प्रेस, है ना, 2-3 सेकंड तक आप एकदम से आपका मसल एकदम इतना खिंच जाएगा, हाँ. नहीं उठा पाओगे, यही करते हैं. ऐसी ही चीटिंग होती है, हर तरह की चीटिंग, मतलब ये सिर्फ पावर लिफ्टिंग में नहीं है, इवन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में भी होती है. तो ये आप चाहती हैं कि चेंज होना, राइट? चेंज होनी चाहिए. और
फेडरेशन कुछ ऐसी हो कि अच्छा कंपटीशन हो, चाहे 10 की जगह एक कंपटीशन हो, लेकिन अच्छा क्वालिटी कंपटीशन हो और एथलीट्स की परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनको देखा जाए कि हाँ वो भी इंटरनेशनली खेल सकते हैं, हमारे इंडियन एथलीट्स बहुत पोटेंशियल है उनमें, खेल सकते हैं वो भी इंटरनेशनल जाकर। कमिंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन तवलीन, इट वॉज रियली ग्रेट नोइंग थिंग्स फ्रॉम यू अबाउट पावर लिफ्टिंग एंड हाउ यू गॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड सो व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। सो अभी तो मैंने लास्ट जब कम्पीट करा था वो था मार्च 2018 में, मैंने अपने आप को बोला था कि अब मैं नेक्स्ट अभी कम्पीट करूँगी, जब वो लोग जो बोलते हैं ना कि अरे तुम नेचुरली ग्रो नहीं करोगे एंड में तुम स्टेरॉइड्स लोगे, तो उनके लिए मैं ये करना चाह रही हूँ कि मैं अब ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल का गैप लेके मैं उसके बाद कम्पीट करूँ, अच्छे नंबर्स के साथ कम्पीट करूँ, और कोई ये ना, और पहला नेक्स्ट स्टेप जो है वो तो यही है कि मैं कैटेगरी नीचे आना चाहती हूँ, वेट कम करके आप लिफ्ट बढ़ाना चाहती हूँ अपने टोटल, जिसको बोलते हैं हम लोग कि हम मेरे तीनों जो टोटल है वो इंक्रीज हो। देखो क्रिटिसिज्म तो होगी, क्रिटिसिज्म तो अगर आप ग्रो कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म तो होगी, अगर मेरी भी होती है 90% अगर सपोर्ट करने वाले होते हैं 10% हेटर आपके आ ही जाते हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है अगर आपकी क्रिटिसिज्म भी होती है, क्रिटिसिज्म से लर्न करना चाहिए ना हमें। डेफिनेटली मैंने अब अगर मेरे को क्रिटिसाइज ना करते लोग कि देखो पावर लिफ्टिंग की नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ अपने कहते हैं ना तेरे में ताकत है तो तू उठा रही है, यू हैव नो नॉलेज ऑफ टेक्निकलिटीज, सो कोई ना कोई तरीके से गलती निकालनी होती है, दैट्स द टेंडेंसी ऑफ अ हेटर, सो दैट्स फाइन। ऑलराइट तमलीन, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड इसके बाद आपको दोबारा बुलाएंगे जब आप 200 केजी की स्क्वाट कर रहे होंगे, ठीक है। तो सो गाइज, दिस वाज इट, दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंटरव्यू, बताइए आपको कैसा लगा, शायद आपको मेरी कोई खराबी लगी गलती लगी तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड इट। दिस इज दमन सिंह साइनिंग ऑफ। तवलीन, हमारा डायलॉग होता है एक मेरे चैनल का ना डायलॉग है, वो क्या है कि जितना भी है बिना टीके का है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, तो कैन यू डू दैट, बाय बाय, जितना भी है बिना टीके का है।